पीएफ ऑफिस की दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से लाखों लोग अपना पीएफ निकाल नहीं पाते हैं, लाखों लोग परेशान होते हैं पीएफ ऑफिस के अलग अलग चक्कर लगाने के लिए, इस कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये प्रॉब्लम और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं डियर ईपीएफओ सीरीज में वो वीडियोज बना के देता हूँ जहाँ मैं ईपीएफओ संस्था को फीडबैक के तौर पर उनकी गलतियाँ बताता हूँ और कैसे उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है ये भी सजेशन के तौर पे देता हूं, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट हूं, मुझे ये पता है कि इनकी क्या-क्या कमियां हैं। अगर पीएफ ऑफिस इस वीडियो को देखे तो कृपया करके इन गलतियों को ठीक कर लीजिए ताकि आपके लाखों मेंबर्स का फायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको कह रहा हूं ये आप नहीं चाहते हैं, आप भी ऐसा ही चाहते हैं। आपने लिखा है कि हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो वर्ल्ड क्लास हो, जो अनइंटरप्टेड हो, जो मेंबर्स को सुविधाएं देने वाला हो। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि आपका जो सिस्टम है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। आपका सिस्टम ऐसा है जहाँ पे मेंबर्स को आप मजबूर करते हैं कि वो ऑनलाइन ना जाके फिजिकल में एक देश के कोने से दूसरे देश के कोने तक भ्रमण करता रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मेंबर अगर दिल्ली में रह रहा है, उसका पीएफ ऑफिस बेंगलोर में है, तो वो दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ करेक्शन करवाने के लिए बेंगलोर जाए और फिर मान लो कि एक आईडी से दो आईडी हो गई या दो आईडी से तीन आईडी हो गई, तो क्या उसको ये जायज़ है कि वो जहाँ जहाँ अलग अलग पीएफ ऑफिस है वहाँ वहाँ जा जा के अपनी करेक्शन करवाए? ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और ये सिस्टम बनाने की जिम्मेवारी ईपीएफओ की है। ईपीएफओ ऐसा कहता है कि हम पेपरलेस मैनर में अपना सारा काम करना चाहते हैं, फेसलेस मैनर में, कॉन्टैक्टलेस मैनर में करना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, ये एक स्टेटमेंट है। जैसे पुलिस वाले कहते हैं हम शपथ लेते हैं हम रिश्वत नहीं लेंगे, उन्हें भी पता होता है मन के अंदर कि वो कितना रिश्वत लेंगे कितना रिश्वत नहीं लेंगे। तो इसी तरह से डियर पीएफ ऑफिस, आपने अपने मिशन में लिखा है कि आप पेपरलेस मैनर में काम करना चाहते हैं, कॉन्टैक्टलेस मैनर में काम करना चाहते हैं, मेंबर्स को सुविधा हो सके, इजीली उनका काम जीवन यापन हो सके, इस बारे में आप काम करना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, जो आपका एक्चुअल सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है ये चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मैनेज में, अगर हम जा रहे हैं बेसिक डिटेल में जा रहे हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए कि अगर आप करेक्शन करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहने के लिए यहाँ यूएन नंबर एक है। कहने के लिए क्या है? यूएन नंबर एक है। लेकिन असलियत ये है कि अगर इस एक यूएन के अंदर में आपके पास एक से ज़्यादा आईडी है तो आप मान के चलिए कि एक यूएन नंबर नहीं है। अगर आपको कोई भी करेक्शन करानी है तो आपको सिर्फ एक जगह करेक्शन कराने से बात नहीं बनेगी। अगर आपकी चार कंपनियां हैं तो चार कंपनी में जाके आपको करेक्शन करानी पड़ेगी। ये है असलियत, ये है हकीकत। जहाँ आप ये कहते हैं कि वन यूएन का मतलब हो गया कि एक यूएन हो, जितनी सर्विसेज करी गई हो वो सारा एक यूएन में क्लब हो जाए। लेकिन अगर आप एक यूएन को इतना महत्व देते हो तो आप अपने सिस्टम में ये सुधार क्यों नहीं करते कि अगर मेंबर ने एक मेंबर आईडी में करेक्शन कर ली तो वो सारी करेक्शन बाकी भी मेंबर आईडीज के अंदर हो जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई असंभव काम तो नहीं है। इसके लिए कोई आपको चंद्रमा पे जाके जमीन खोद के तो निकालनी नहीं है। आपको अपने सिस्टम में, अपने जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपके प्रोग्राम्स हैं, उनमें जाके फंक्शंस ऐड करने हैं जहां आप ये कमांड दें कि अगर एक मेंबर आईडी में मॉडिफिकेशन हो गया तो उससे रिस्पेक्टिव जो अदर मेंबर आईडीज हैं सेम यूएन के अंदर, उनमें भी मॉडिफिकेशन हो जाए। ये करना बहुत ज़्यादा वैलिड है, आसान काम है। लेकिन जो आसान काम है वो सरकारी संस्था को नहीं समझ आता है, वो ऐसा काम ढूंढते हैं जहाँ जो आसान नहीं है। वो एक डायलॉग है, जो आप सोच सकते हो वो मैं नहीं करूँगा और जो आप नहीं सोच सकते हो वो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ के देखिए कि आपके पास ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे अगर आपके पास एक से ज़्यादा आईडी है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास चार आईडी है, ठीक है। मेंबर ने करेक्शन जो करी है वो सिर्फ एक ही पीएफ ऑफिस में एक्सेप्ट हुई है, वो भी सिर्फ एक ही मेंबर आईडी में एक्सेप्ट हुई है।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये रहता है कि मान लो आप दिल्ली के अंदर ही काम कर रहे हो, आपने दिल्ली से बाहर किसी ऑफिस में काम नहीं किया, आपने एक मेंबर आईडी बनाई फिर दूसरी मेंबर आईडी बनाई। अब मान लेते हैं कि आपकी एक लास्ट वाली कंपनी में आपने फादर नेम में सुधार करवा लिया, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के या फिर ऑनलाइन से कर लिया, तो आप ऐसा मत सोचो कि आपका पुरानी आईडी में भी करेक्शन हो गई। ऐसा नहीं है, आपको पुरानी आईडी में फिर से जाके ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये है हकीकत पेपरलेस, फेसलेस और सीमलेस ट्रांजेक्शन की। यही है सीमलेस ट्रांजेक्शन, जहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप मान लो कोई आदमी भाई 10 कंपनियों में काम किया हो, मान लेते हैं भाई कोई 20 साल से काम कर रहा है, अब वो दो दो साल अलग अलग कंपनियों में काम कर रहा है, अगर उस भाई साहब को ऐसा कभी भी लगता है कि भाई मेरे फादर नेम की स्पेलिंग गलत है, तो उसको जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में जाना पड़ेगा। मतलब वो 6 महीने के लिए छुट्टी ले ले और 6 महीने जाके देश के अलग अलग कोने में जहाँ जहाँ पीएफ ऑफिस है वहाँ वहाँ जाके अपना करेक्शन फॉर्म जमा करके आए और फिर मन्नत मांगे कि जो मैं करेक्शन फॉर्म जमा करके आया हूँ वो सही समय पे करेक्शन अप्रूव भी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि आपको यहाँ प्रेजेंटली जाना पड़ता है, उसी वाले पीएफ ऑफिस में जाना पड़ता है, समस्या ये भी बहुत बड़ी है कि यहाँ पे पीएफ ऑफिस के अंदर समय सीमा नहीं है। यहाँ पे आप जो सिस्टम देख रहे हैं ये वाला सिस्टम बहुत जल्दी बदल जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा आपको और बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे जो कि नए SOP में दिया गया है। लेकिन शर्म की बात यह है, दुख की बात यह है कि यहाँ पे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिखा गया है जहाँ पे ये कहा गया हो कि एक ही UN में जितने भी ID होंगी उसका एक ही बार में करेक्शन हो जाएगा। ये जो है बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है और मैंने इसे ध्यान से पढ़ा था, मेरे ध्यान में आ रहा है कि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि जो आप करेक्शन करेंगे वो उसी वाली रिस्पेक्टिव आईडी के अगेंस्ट में होगा। मतलब कि मेरा ये मानना है, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने ये 35 पेज पढ़े हैं मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा समझना है कि इन्होंने इस डॉक्यूमेंट पे भी यही एक गलती करी है। जो इन्होंने पहले रखा हुआ था सिस्टम खराब, अभी भी वही सिस्टम है जहाँ पे एक UN के अंदर अगर 5 कंपनियाँ हैं तो 5ों में आपको अलग अलग करेक्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने एक भी जगह कोई करेक्शन कराया तो वो एक जगह का करेक्शन हर जगह जाके अलग अलग जाके आपको करवाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है डियर PF ऑफिस, कृपया करके इसको अपने सिस्टम में सुधार कर लीजिए। अगर मैं आपको सजेशन के तौर पर देना चाहूँ कि इसको कैसे किया जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए इतना सा सिंपल सा एक प्रोसेस बनाना है कि यूनिफाइड जो आपका UN नंबर है इसको आप एक ज़्यादा अथॉरिटी दीजिए। और ज़्यादा अथॉरिटी देने का मतलब ये है कि जो ID है वो इसके अंदर जो ID है वो एक ही बार में अगर कोई भी पर्सन इस ID से ऑनलाइन जाके कोई भी करेक्शन करता है तो इस UN के अंदर जितनी भी ID है सभी के बेसिक डिटेल्स में चेंज हो जाए, ऐसा आप फंक्शन उसमें अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही आपको किसी बड़ी अथॉरिटी, ना ही आपको राष्ट्रपति, ना ही आपको किसी और बड़े अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक प्रोसेस चेंज है, प्रोसेस चेंज आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आप बहुत सारे चेंजेस करते हैं, जो आपसे नहीं मांगा जाता है वो आप ज़बरदस्ती देते हैं और जो आपसे मांगा जाता है वो आप मांगने पे भी नहीं देते हैं, तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। इसके साथ में ही PF मेंबर अगर आप हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लेलिस्ट में जाके आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं वीडियो, और अगर इसके अलावा पर्सनली कंसल्ट करना हो तो आप मुझे फीस पे करके पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको कोई फीडबैक हो कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं तो निश्चित तौर पे आप फीडबैक भी दे सकते हैं। कमेंट्स खुले हुए हैं, कमेंट्स में पढ़ता हूँ मैं, मेरे को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे और किसी जानकारी वाली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।